राजस्थान का एक बहुत सुंदर शहर जहाँ पर आप एक बार जाओगे तो आपका वापस आने को मन नहीं करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर के, जिसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जाना चाहते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आप भी यहाँ जाना चाहते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, पर ऑब्वियसली सारी जगह तो हर कोई नहीं घूम सकता। तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके ऐसी 5 जगह बताऊंगा जहाँ पर जाने के बाद आप भी कहोगे मजा आया। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो 5th नंबर पे है सिटी पैलेस। इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था महाराणा उदय सिंह ने 1553 में। इसके बाद अलग अलग राजाओं द्वारा इस पैलेस को कंप्लीट किया गया और लगभग 400 साल के बाद ये पैलेस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप इसके बड़े और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर को देख सकेंगे और साथ ही बहुत सारी फोटोज भी यहाँ पर आप क्लिक कर सकेंगे। और पैलेस से होते हुए आप पहुँचेंगे लेक पिचोला के किनारे पे, जहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। पर यहाँ से बोटिंग करना आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप कम पैसों में लेक पिचोला में कैसे बोटिंग कर सकते हैं। 4th प्लेस है बागोर की हवेली। ये हवेली भी सिटी पैलेस की तरह लेक पिचोला के किनारे पर है। और बागोर की हवेली में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के म्यूजियम, जहाँ पर आप देख सकेंगे पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें। और शाम 7 बजे यहाँ पर शुरू होता है धरोहर डांस शो, जिसमें कि आप अलग अलग प्रोग्राम का मज़ा ले सकते हैं। हवेली से बाहर निकल के पास में ही आप जा सकते हैं गंगोर घाट, जिसमें कि आप लेक पिचोला का बहुत ही अच्छा खासा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं और शांति से वहाँ पर बैठ सकते हैं। और आप चाहें तो वहाँ पर फोटोज़ भी आप क्लिक करवा सकते हैं। 3rd प्लेस है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। अरावली हिल्स पर बना हुआ ये फोर्ट बनवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में, और यहाँ पर वो अपने मानसून के टाइम में समय बिताते थे। यहाँ से आप काफ़ी अच्छा खासा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं उदयपुर सिटी का, लेक पिचोला का और अरावली हिल्स का, और यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 2nd नंबर पर है करणी माता का मंदिर। ये मंदिर मछला मागरा हिल्स पे बना है और यहाँ जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप चढ़ाई करके यहाँ पर जा सकते हो और दूसरा रास्ता आप केबल कार से यहाँ पर जा सकते हो। पर केबल कार वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज केबल कार से आप इंजॉय कर सकते हो काफ़ी अच्छा खासा व्यू लेक पिचोला का, सिटी का, और इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ मंदिर में आप दर्शन करोगे करणी माता के, और इसके साथ यहाँ से भी आप सज्जनगढ़ फोर्ट की तरह बहुत अच्छा खासा व्यू एंजॉय करोगे लेक पिचोला का और उदयपुर सिटी का, और यहाँ जाकर आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और अब 1st नंबर पर है लेक पिचोला में बोटिंग। करणी माता मंदिर रोप वे के पास ही आप लेक पिचोला में बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ पर बोटिंग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सनसेट का, बिकॉज सनसेट या फिर इवनिंग के टाइम पे इस लेक की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। बोट से आपको पूरी लेक में घुमाया जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं सिटी पैलेस, गंगोर घाट, जग मंदिर और भी बहुत सारी जगह। और बोट राइड में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप लेक पिचोला के बीच में जो जग मंदिर है घूमना चाहते हो, तो उसकी टिकट आपको सिटी पैलेस से लेनी पड़ेगी। सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, लेक व्यू रेस्टोरेंट, इन जगहों का मज़ा भी आप उदयपुर में ले सकते हैं। बाकी इन सब जगहों की अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में, और आप वहाँ जाकर व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हो। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।